हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फिर से एक जगह जा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड रहते हैं नियर बाय, मतलब घर के एकदम नज़दीक ही रहते हैं। तो उन्होंने आज बहुत समय के बाद में उनसे मिल रहे हैं, तो वी आर जस्ट विजिटिंग देम टुडे। सो आप लोग भी सब हमारे साथ में चलिए, तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है। हमने प्लान किया है कि साथ में आज बैठ के जो भी घर का डिनर वगैरह है वो साथ में कर लेंगे। तो घर पे ही शी इज़ प्रिपेयरिंग। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए। सो बुलबुल भी तैयार हो चुकी हैं, पीहू तैयार हो रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कहाँ हो पीहू? अरे क्या चल रहा है भैया? पीहू तैयार हो रही है। क्या 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 तैयारी हो रही है यहाँ? ये क्या? ये पीयू की हेयर एक्सेसरीज है। वाह, और भी पीयू के पास इतना सारा एक्सेसरीज है। कितना सारा? अरे बाप रे, ये सब ये पीयू का ड्रॉर है। अरे यार, और यहाँ पे ABCD भी आ आ ई ई है, ये वो भी पढ़ती रहती है। हेलो, सो अभी चलने का वक्त हो गया है। लेट्स मूव आउट। लाइट सारी ऑफ कर देते हैं। ओके, ये रह गई। अरे सब कुछ ही बंद हो गया यार, कुछ तो खोलो। तो यार अभी भी क्या बाकी है भाई? अब बस चल रहा है। चलो जल्दी, आज मैं ये वाला बैग कैरी कर रही हूँ, न्यू बैग। ओके, अभी वो का है कि ओके चले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग वर्मा जी ने स्टार्ट किया, आपने देखा, क्योंकि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि वर्मा जी व्लॉग स्टार्ट करें, वो आते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पीहू तैयार हो चुकी है अपनी नई ड्रेस पहन के, बैग लेके। कैसा लग रहा है पीहू? पीहू ने बैग में मेरा एक सामान रखा है जो कि मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ेगा, तो मेरे बैग में नहीं आ रहा था। एक्चुअली आजकल इतने छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना, तो उसमें नहीं आ रहा था, तो इसीलिए रख दिया। इधर वर्मा जी बैठे हैं। हेलो हेलो हेलो, ओ माय गॉड, इतना फोन में बिजी है कि 3-4 बार हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली यार कुछ देख रहा था, नीरज चोपड़ा ने अभी यार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो मैं उसको देखते देखते मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था। मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ बीवी चिल्ला रही है हेलो 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 यार, गोल्ड मेडल जीता है। ओ वाह, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में। ओ वेरी वाओ, तुम समझ रही हो कि क्या बात है वो, मतलब ग्रेट ग्रेट इमोशनल थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, ये तो ओलंपिक देख रहे हैं। चलिए बस हम लोग निकलते हैं और फिर मिलवाते हैं आपको अपनी एक और फ्रेंड से। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहती हूँ, जो कि है मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल विद राइस ब्रेन एंड कोकोनट ऑयल। साथ में मैं इसके शैम्पू कंडीशनर के बारे में भी आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑयल के बारे में। तो ये है मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल विद राइस ब्रैन एंड कोकोनट ऑयल, जो कि स्पेशली डैमेज हेयर के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें है सनफ्लावर ऑयल, सेसमी ऑयल, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ब्रह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल, जो कि सारे इंग्रेडिएंट मिलकर आपके बाल की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, आपके बालों में जो डैमेज है उसको ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने बालों को ऑयलिंग कर लूँगी, इसके बाद मैं अपने बालों को हेयर वॉश करूँगी और अच्छे रिजल्ट के लिए मैं कंडीशनर भी इसी का यूज़ करूँगी। तो इस हेयर केयर रेंज की अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। mamaearth.in से अगर आप परचेज करते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं bulbul2021, इससे आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ये पूरी एक रेंज है हेयर केयर की, ये अगर आपके बाल डैमेज हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं उनमें मिनरल ऑयल नहीं होता है, सिलिकन नहीं होता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, सूट ऑल हेयर टाइप्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी नेट क्वांटिटी जो है वो 150 ml है। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे मामा अर्थ के राइस वाटर शैम्पू के बारे में। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर प्लस कैरेटिन।
जो कि स्पेशली डैमेज हेयर के लिए है। ये भी हार्मफुल केमिकल से फ्री है। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो मामा अर्थ अमेजोन नायका पर्पल में अवेलेबल हैं। और ये जो मामा अर्थ की ब्रांड है ये हमारी इंडियन ब्रांड है, और जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। तो हम सभी को अपनी इंडियन ब्रांड को ही प्रेफरेंस देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडियन ब्रांड को ही यूज़ करना चाहिए। तो ये शैम्पू आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बालों में डैमेज है, आपके बालों में स्प्लिटेंस है और आपके बाल बहुत ब्रेक हो रहे हैं, आपके बाल बहुत रूखे ड्राई हैं, तो आप अपने बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए इस शैम्पू को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें है एक्वा, सोडियम बेंजोनेट, फर्मेंटेड राइस वाटर, स्वीट एलमंड ऑयल, वीट प्रोटीन। तो आप इस शैम्पू को आराम से बिना किसी सेकेंड थॉट के यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसके कंडीशनर को भी ज़रूर यूज़ करें। कंडीशनर यूज़ करने से आपके बालों के स्प्लिट एंड्स तो हटेंगे ही, साथ ही में आपके जो बाल ब्रेक हो रहे हैं वो भी प्रिवेंट होगा, आपके बालों को सिल्की स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। तो अगर मैं कंडीशनर के इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें है कोकोनट ऑयल, कैरेटिन, स्वीट एलमंड ऑयल, जो कि आपके हेयर को टेक्सचर को स्मूथ और सिल्की बनाता है। तो मामा अर्थ ने अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप लॉन्च करी है जो कि यूज़ करना काफ़ी ईजी है और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो हम लोग आ चुके हैं, मैंने रास्ते का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और पीहू आते ही अपनी फ्रेंड के साथ मिल गई है। उसकी फ्रेंड काव्या भी यहाँ पे आई है, तो हम लोग भी आए हुए हैं। ये है काव्या की मम्मी डैडी और यहाँ वर्मा जी बैठे हैं। इधर मेरी दूसरी फ्रेंड है जिनके यहाँ हम लोग आए हैं आज मिलने, अभी मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगी। ये पीयू ने ये दिया है, ये आपकी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है, ये देखो ना, दवाई खा लेना। ओ पीयू डॉक्टर, चेक करो सब हेलो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं पांसी मैम क्या, ये हमारी दूसरी फ्रेंड है, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये है हेलो। तो आज काव्या हाय कर दो। सी हाय। अभी हम लोग का डिनर हो गया लेकिन काव्या का मन है क्या खाने का? मैगी खाने का। यहाँ पे मैगी बन रही है। पीयू भी बता रही है। पीयू क्या बता रही है? पीयू मैगी खाने का मन है। काव्या का? पीयू का नहीं है। तो गाइज अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, आज हम तीनों फ्रेंड का डांस आप लोग देखने वाले हैं जो कि एकदम मस्त होने वाला है। और बहुत टाइम के बाद हम लोग 5 साल के बाद ऐसी मस्ती दोबारा से कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग का डिनर वगैरह हो गया था, फिर बच्चे लोग भी इंजॉय करने लगे, फिर हम लोगों ने कहा चलो फिर हम ही लोग क्यों रह जाएँ डांस करने से। हम लोग जब पहले भी साथ में रहते थे ना तो खूब रात में ऐसे ऐसे मस्ती करते थे, एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे तो काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी इंजॉय करते थे हम लोग, और वही सारे दिन अभी हम लोगों को याद आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा सॉन्ग तो नहीं लगा सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगी, बाकी आप स्टेप से समझ लीजिए कि कौन सा सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो कैसा लगा अभी तक का व्लॉग और हम तीनों फ्रेंड की मस्ती, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग क्या क्या इन्जॉय करते हैं, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं।
यहाँ हम लोगों की डांस मस्ती चल रही है, साथ में बच्चों की भी अपनी मस्ती चल रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे, अब डांडिया आने वाला है, मतलब जब डांडिया स्टार्ट होता है यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा होता है मुंबई का डांडिया। मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है पनवेल वाला, तो वहीं पे यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस साल डांडिया होता है तो हम लोग एक डांस प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वही गाना प्ले हो रहा है डांडिया वाला ही। तो अभी तक आपने हम दोस्तों की मस्ती तो देख ली, अब आप एक रोमांटिक कपल का डांस देखने के लिए दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही मस्त डांस यहाँ पे होने वाला है। सो बताइएगा कैसा लगा। चले काव्या, काव्या चले घर, चले मेरे घर पे जाना। चलो चलो, कब जाना है वहाँ से? लेना वीडियो, बाय बेबी, बाय बाय। अरे कितनी है बैग? चलो चलो, बाय बाय बाय। तो बस गाइज, इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, काफ़ी रात हो गई थी। हम लोग आए चेंज वगैरह करके, फिर हम लोग रेस्ट कर रहे थे, और यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करी थी, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपका आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय।